नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नहीं माने किसान और 11वें दिन भी घमासान। जी हां, यही तस्वीर फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर है, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं, 11वें दिन भी आंदोलन जारी है किसानों का। 11 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बॉक्सर विजेंद्र की देख रहे हैं, जिन्होंने आज इस मंच पर, किसानों के मंच पर आकर साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो वो अपना मेडल वापस कर देंगे। आपको बता दें, जरा सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं, और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मेरे कटिंग देखी, उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है, और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह को साफ तौर पर कहा, किसानों के आंदोलन के मंच पर आकर खड़े होकर साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है किसानों की तो उनको जो सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको मिला है, सम्मान मिला है, वो उसे वापस कर देंगे। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ जैसे भी बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर आ चुके हैं और सम्मान वापसी की बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ किसानों को, दिलजीत दोसांझ की बात करें तो किसानों को इस सर्द में, इस ठंड में कपड़े देने की उन्होंने बात की। 1 करोड़ उन्होंने दिया है किसानों के इस आंदोलन को समर्थन जताते हुए, इस मंच को उन्होंने साझा किया। बता दिया आपको फिलहाल क्या तस्वीर सामने है, किसानों के समर्थन में बड़े बड़े लोग उतर गए हैं। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो वहां पर देखिए 2 हफ्ते बाद दिल्ली आएंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है, शिवसेना भी अब इसमें कूद पड़ी है। मुंबई में अकाली नेताओं से मिले हैं उद्धव ठाकरे, तो आपको हम बता दें अकाली दल पहले ही कूद पड़ा है इसमें, टीएमसी बाकी दूसरे भी जो दल है लेफ्ट, ये तमाम दल साथ आ चुके हैं इस आंदोलन में। कांग्रेस पहले से ही समर्थन कर रही है, अब कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां भी लामबंदी की बात की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से एक अलग तरह से सरकार को घेरने की कोशिशें जारी है। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने इस बीच एनसीपी नेता ने, सुनिए। विकास वर्दी योगदान पंजाब आणि हरियाणाचा शेतीमध्ये, विशेषतः गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनाच्या देशाचीची गरज त्यांनी भागवली, पण जगातल्या 17-18 देशाला धान्य पुरवायचं काम हा देश करतो, त्याच्यात पंजाब आणि हरियाणा याचा वाटा फार मोठा आहे। पंजाब हरियाणाचा शेतकरी रस्ते दिसतो गांधी दुर्दैवाने घेतली दिसत नाही, मला स्वतः असं वाटतं की असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्ली पुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि प्रश्नाची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतली, अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी अशीच माझी अपेक्षा।